हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पहेली हाउस को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी लॉजिकल पहेलियां आपको मिलती रहे। तो चलिए पहेलियां शुरू करते हैं। पहेली नंबर 1, बालवीर का खून हो जाता है। मेहर यह देख के काफी घबरा जाती है और सीआईडी को वहां बुला लेती है। सीआईडी क्राइम सीन पे पहुंच जाती है तो सीआईडी को वहां कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक कागज गिरा पड़ा मिलता है। सीआईडी समझ जाती है कि बालवीर ने मरने से पहले खूनी का नाम उस कागज पे लिखा है। कागज देख के सीआईडी को 3 लोगों पे शक होता है, एमा, अन्ना और ओटो। वह तीनों कहते हैं कि हमने खून नहीं किया, लेकिन सीआईडी समझ जाती है कि उन तीनों में से खून किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप सोच के और क्लू को ध्यान से देख के बता सकते हो कि बालवीर का खून किसने किया है? तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि बालवीर का खून किसने किया है? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, बालवीर ने पेपर पे लिखा है 1221। तो आप उन्हें इंग्लिश में लिखोगे तो उनकी स्पेलिंग हो जाएगी कुछ इस तरह, और उनके पहले लेटर से नाम बन जाता है ओटो, मतलब बालवीर का खून ऑटो ने ही किया है। तो चलिए अब देखते हैं हमारी अगली पहेली। पहेली नंबर 2, बालवीर एक गुफा में फंस जाता है। उस गुफा से निकलने के लिए एक दरवाजा रहता है, लेकिन उस दरवाजे पे कोड लगा रहता है, लेकिन बालवीर को उस दरवाजे का कोड नहीं पता रहता है। तभी बालवीर देखता है कि वहाँ एक कागज पड़ा हुआ है जिस पे दरवाजे का कोड लिखा है 1189। बालवीर वह कोड एंटर करता है, लेकिन वह कोड रॉन्ग बताता है। बालवीर सोचता है कि उसने तो कोड बराबर एंटर किया है, फिर भी कोड कैसे रॉन्ग बता रहा है? तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि बालवीर ने कोड डालने में क्या मिस्टेक की है जिससे कोड रॉन्ग बता रहा है? तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप उस कागज को ध्यान से देखोगे तो वह कागज उल्टा है, और उस कागज को सीधा कर दोगे तो कोड हो जाएगा 6811, जो कि बिल्कुल सही कोड है। बालवीर वह सही कोड एंटर करता है और डोर खुल जाता है, और फिर बालवीर उस गुफा से निकल जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। लेकिन अगली पहेली देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी पहेली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। पहेली नंबर 3, दोस्तों आपके सामने एक मैथ्स का इक्वेशन है, 4-0=5, जो कि गलत इक्वेशन है। तो इसमें 3 मैथ्स स्टिक ऐड करना है और इस इक्वेशन को सही बनाना है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इस इक्वेशन को 3 मैथ्स स्टिक ऐड करके कैसे सही बना सकते हैं? तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले हम इस 4 को 9 बना देंगे, जिसके लिए हमें 2 मैथ स्टिक ऐड करना होगा। तो पहली मैथ स्टिक ऐड करनी पड़ेगी यहाँ, और दूसरी यहाँ, और 5 को भी बनाना पड़ेगा 9। तो तीसरी मैथ स्टिक ऐड करनी पड़ेगी यहाँ,
तो इक्वेशन हो जाएगी 9-0=9, जो कि बिल्कुल सही इक्वेशन है। पहेली नंबर 4। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि यहाँ क्या गलत है? तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि यहाँ क्या गलत है? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ इस 5 नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ आई की जगह 1 है। क्या आप यह गलती ढूंढ पाए थे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हमारी अगली पहेली की तरफ। पहेली नंबर 5। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे बाल परी, पानी परी और मस्ती परी है, और यहाँ जो यह बच्चा खड़ा है वह इन तीनों में से किसी एक का बच्चा है। तो दोस्तों, पिक्चर को ध्यान से देख के मुझे बताइए कि इनमें से बच्चे की माँ कौन है। तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इनमें से बच्चे की माँ कौन है? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ जो यह बच्चा खड़ा है वह अकेला तो यहाँ पे नहीं आया होगा, उसके साथ वहाँ कोई न कोई तो जरूर आया होगा। मतलब उस बच्चे को उसकी माँ के पास किसी ने तो भी लाया है। और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पानी परी के कब्र पे जो गारलैंड है वह सूखे पड़े हैं, मतलब वह गारलैंड वहाँ काफी दिनों से है। लेकिन मस्ती परी के कब्र पे जो गारलैंड है वह एकदम फ्रेश है, जो कि अभी अभी रखे हैं। तो हो सकता है वह गारलैंड बच्चे ने और उसके साथ आए पर्सन ने वहाँ रखे हो, इसलिए मुझे लगता है कि मस्ती परी ही बच्चे की माँ है। तो दोस्तों, यह हुई मेरी राय, लेकिन इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज की मजेदार पहेलियाँ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही पहेली वीडियोस मिलती रहे और वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।